आप सबके अंदर विराजमान उस परमपिता परमेश्वर को मेरा प्रणाम। इस संसार के अंदर जितने भी जीव जंतु बनाए हैं उस परमात्मा ने, जितने भी 84 लाख योनियां बनाई हैं, उस सब के अंदर ये मानव का जो चोला है ये सबसे श्रेष्ठ है। इस मानव के चोले से श्रेष्ठ कोई शरीर नहीं है, नहीं होनी उन्हें इससे श्रेष्ठ किसी शरीर की रचना की है, चाहे देवताओं का हो, पितरों का हो, यक्षों का हो, पांडवों का हो, उन सब से श्रेष्ठ ही मानव का चोला बनाया है। मानव के चोले के अंदर जितने भी संसार के अंदर कर्म है सब के सब कर्म किए जा सकते हैं, लेकिन बाकी की जितनी भी योनियां हैं सबकी सब योनियां भोग के लिए हैं, सबकी सब योनियां कर्म के भुगतान के लिए हैं, लेकिन मानव का चोला कर्म करने के लिए प्रदान किया गया है। लेकिन हम भ्रम के कारण, भूल के कारण, गलत दिशा में जाने के कारण हम उस परमात्मा से दूर हटते चले गए। और ये मानव बड़ा अजीब तरह का खेल खेल रहा है, घूम रहा है एक दायरे के अंदर, जो दायरा तोड़ नहीं पा रहा, चाहता भी नहीं उससे बाहर निकलना। जब उससे बाहर को निकालने का प्रयत्न करता है तो ये मानव छटपटाने लगता है, चाहकर भी नहीं तोड़ पा रहा। जिस प्रकार से एक शेर तेल का व्यापारी पहुंचा तेल लेने के लिए तेली के पास, वो तेल निकाल रहा था, बैल उसके अंदर जोत रखा था, बैल घूम रहा था, वो तेल निकल रहा था, वो बहुत देर तक देखता रहा। जो तेल निकालने वाला था वो दूर बैठा हुआ था, लेकिन बैल फिर भी घूम रहा था। सेठ ने पूछा, अरे ये कैसे, क्यों चल रहा है बैल, इसको तो कोई हाथ भी नहीं रहा है, इसको तो कोई देख भी नहीं रहा है, तुम तो बिल्कुल एक तरफ बैठे हो, ये फिर भी गोल दायरे के अंदर घूम रहा है। उन्होंने कहा कि मैंने इसका इंतजाम कर रखा है, इसकी आंखों के ऊपर पट्टी बांध रखी है ताकि ये इसको पता ही न चले कि इस दायरे के अंदर घूम रहा हूँ। उन्होंने कहा, ये तो ठीक है, ये तो मैं समझ गया, लेकिन पूरा दिन इसी तरह से ये चलता रहता है बिना रुके ही, इसे ये भी नहीं पता चलता कि तुम इसके पीछे चल रहे हो या नहीं चल रहे। उन्होंने कहा कि नहीं, ये नहीं जानता, ये तो समझता है कि मैं इसके पीछे ही भाग रहा हूँ। जब ये थोड़ा रुकने का प्रयत्न करता है तो फिर एक बार इसे हाथ देता हूँ और फिर एक तरफ खड़ा हो जाता हूँ। फिर उन्होंने कहा कि तू तो इसकी तरफ देख भी नहीं रहे, फिर भी तुम्हें कैसे पता चल जाता है ये किस प्रकार से रुक गया है, क्या हो गया है, कैसे। फिर उन्होंने कहा कि इसके गले के अंदर जो घंटी बंधी हुई है इसकी आवाज से मैं जान लेता हूँ, ये जब घंटी बजना बंद हो जाती है तो मैं समझ जाता हूँ कि बैल रुक गया है, और जब तक घंटी बजती रहती है तब तक मैं समझता रहता हूँ कि बैल चल रहा है, वो तेल निकल रहा है। उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा आश्चर्य है, बैल को नहीं पता कि अगर खड़ा होकर के गर्दन हिलाने लगे तो ये घंटी भी बजने लगेगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि बैल अगर इतना समझदार होता तो इस पोलू को छोड़ करके कहीं
बिल्कुल हमने अपना एक दायरा बना लिया है, बिल्कुल हमने एक अपना घेरा खींच लिया है, बिल्कुल चारों तरफ गोल गोल घूम रहे हैं, कोई नहीं समझ पा रहा, इस घेरे से निकलने का कोई प्रयत्न नहीं कर रहा, प्रयत्न करने की कोशिश करे तो भी नहीं निकल पा रहा, क्यों? क्योंकि छोड़ना ही नहीं चाहता उस भूमि को जो पैरों में लग गई है, पर चल चल करके आदत बन गई है, जिस पर चलना मानव का स्वभाव बन गया है, जो मानव की एक सोच बन गई है, जो उन्होंने अपने बुद्धि से इस रास्ते का निर्माण कर लिया है, उस शत्रु को तोड़ना ही नहीं चाहता, उस माया से पार पाना ही नहीं चाहता, उससे क्योंकि अगर उसको छोड़ दिया तो कुछ न कुछ होने का भय लगा रहता है, दूर हटने लगता है कि नहीं, जो ये बाहर निकाल रहा है ये ठीक नहीं है, मैं तो दायरे के अंदर ही बिल्कुल सही हूँ, समाज के दायरे के अंदर, संसार के दायरे के अंदर, सद्भावना के दायरे के अंदर, समाज का जो खेल चल रहा है इसके अंदर, शास्त्रों के दायरे के अंदर, जितने भी दायरे हमारे खेच दिए गए हैं, ये इंसान उसी चक्कर के अंदर चक्करपुर की तरह से घूमता रहता है और सोचता है कि मैं बहुत दूर निकल गया, बहुत दूर पहुंच गया, लेकिन जब वो आंखों पर से पट्टी उतारी जाती है तो वो इंसान कहीं नहीं पहुंचा हुआ मिलता, वहीं खड़ा हुआ रहता है, फिर उन्हें महसूस होता है कि किस प्रकार से पूरी उम्र इसी प्रकार से गोल गोल घूम करके हमने खो दिया। आपको अगर यकीन न हो तो आप अनुभव कर सकते हैं, आप जो आज कार्य कर रहे हैं ये डायरी के अंदर लिख लीजिए, और रोज जो जो आप कर्म करते हैं, जैसा जैसा स्वभाव बनाते हैं, जो जो खाते पीते हैं, जो जो खेलते हैं, सारा का सारा पूरा दिन का वर्णन, पूरी दिनचर्या का वर्णन एक डायरी के अंदर नोट कीजिए और उसमें लिखते रहिए। 6 महीने तक आप उस वर्णन को लिखते रहिएगा। 6 महीने बाद जब आप शुरुआत से लेकर के आखिर तक पूरी की पूरी डायरी का निरीक्षण करेंगे तो आपको सार निकल करके आ जाएगा। 6 महीने के अंदर आपने सारे कर्म जो जो भी किए हैं लगभग पूरे के पूरे कर्म लिखते चले जाएंगे आपस में, कोई भी कर्म ऐसा नहीं मिलेगा जो आपने अलग किया हो, किसी ने किसी दिन उसको दोबारा भी किया होगा, किसी ने किसी दिन उसको तीसरी बार भी किया होगा, कोई ना कोई कर्म ऐसा भी होगा जो आपने बार बार किया हो। इसी प्रकार से हम उस गोल दायरे के अंदर घूम रहे हैं, उसको नहीं तोड़ पा रहे हैं, कोई तोड़ने का प्रयत्न करता है क्या, उसकी आंखों की पट्टी हटाने का प्रयत्न करता है तो वो जी वहीं से भागना शुरू कर देता है, छटपटाना शुरू कर देता है और उसे दूर होना शुरू हो जाता है। हमारे साथ बड़ा खेल चल रहा है, इस जीव को इतना भ्रमित कर दिया गया है, सच्चाई से ये दूर होता चला गया और असत्य के नजदीक होता चला गया और अज्ञान के कारण, अंधकार के कारण, भय के कारण, भ्रम के कारण इस सत्य से दूरी होती चलेगी और हमने उस धर्म को, उस परमात्मा को हमने ये समझ करके छोड़ दिया कि नहीं, इतना आसान नहीं परमात्मा को प्राप्त करना, हम उसको नहीं पा सकते, थक हार करके बैठ गए, लेकिन जो तो ये हमारे आंखों पर पट्टी बांध दी गई है ये बड़ी मुश्किल से खुल सकती है, इतना आसान नहीं है इनको उतारना, क्यों? क्योंकि कोई जब उतारने का प्रयत्न करता है, जो कोई उतारने के लिए नजदीक जाता है तो वो उसी के पीछे भाग लेता है, मारने के लिए, दौड़ने के लिए, पीटने के लिए, वो तो उसकी भलाई के लिए कार्य कर रहा है लेकिन वो नहीं समझ पा रहा। जिस प्रकार से कोई पशु बीमार हो जाता है, बीमारी के कारण उसको चिकित्सक उसके नजदीक जाते हैं तो मारने के लिए दौड़ने लगता है, अपने पास नहीं आने देता, पकड़ने नहीं देता, और उन्हें जिस प्रकार
होती है, लेकिन हम समझ नहीं पाते। हम समझते हैं संसार के खेल को, हम समझते हैं माया की इस जेल को, हम समझते हैं इस समाज का जो एक सिस्टम चल रहा है कि हम इसी के अनुसार चलें तो सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन नहीं। उस ब्रह्म का जो संदेश है, उस परमात्मा का जो संदेश है, उस परमात्मा का जो प्रेम है, उस परमात्मा की जो कृपा है, उस परमात्मा के मार्ग पर चलने वाले उन फकीरों का रास्ता ही सरल होता है। वो तो सब कुछ छोड़ करके, सब नियम बंधनों से ऊपर उठ करके उस प्रेम की ओर बढ़ने लगते हैं, उस ताकत की ओर बढ़ने लगते हैं, उस सत्य की ओर बढ़ने लगते हैं, उस अनंत की ओर बढ़ने लगते हैं, उस नूर की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन जो इस संसार के अंदर भटके हुए लोग हैं वो नहीं पहुंच सकते, और उन फकीरों की, उन स्थितियों की, उन प्रेम का, उस भाव का, उस सत्य का बोध नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अनुभव वही कर सकता है जो जानता है, वही सकता है जो पहुंच गया, जो नहीं पहुंचा वो कैसे बोल सकता है। वो तो जो बोल रहा है वो दिखा पूछ रहा है और चल पूछ रहा है। एक समय एक नाथ जी के पास एक युवक आता था, हर रोज ब्रह्म ज्ञान के विषय पर चर्चा होती, बड़ी बड़ी बातें होती, बहुत, क्योंकि हमारे पास भी बहुत ऐसे हैं जीव जो बहुत ऊंची स्थितियों की बातें करते हैं, जो बहुत भारी भारी बातें करते हैं, जो बहुत नीचे बात को आने ही नहीं देते, ब्रह्म ज्ञान से नीचे सवाल ही नहीं होता। लेकिन अगर अंदर में झांको खालीपन नजर आने लगता है, अंधेरा सा नजर आने लगता है, अज्ञान सा नजर आने लगता है, कुछ कमियां ही नजर आने लगती हैं। भीतर का जो माहौल है वो बाहर के माहौल से मेल जो नहीं खा पाता, अगर भीतर और बाहर का माहौल एक मेल जो नहीं मिलता तो अध्यात्म नहीं है, कुछ और हमारा चाह करके भी नहीं बढ़ पा रहे, हम कोशिश करके भी अटक गए हैं, कहीं न कहीं तो कोई बाधा उत्पन्न हुई है, कहीं न कहीं किसी शब्द पर तो हम भटके हैं, कहीं न कहीं तो हमारा विश्वास भंग हुआ है, कहीं न कहीं तो हमारी श्रद्धा में कमी आई है, कहीं न कहीं तो हमारा प्रेम की जो डोर थी, जो प्रेम का जो धागा था, जो सत्य की पकड़ तक जाता था, जो उस ब्रह्म तक ले करके जाता था, वो हमारी सत्य की पकड़ कमजोर हुई और उस ब्रह्म तक पहुंचने में हमें देरी हो रही है, कोई ना कोई तो कारण जरूर होगा। तो इसी प्रकार से वो हर रोज आता और ब्रह्म के विषय पर, परमात्मा के विषय पर, सत्य के विषय पर, मोक्ष के विषय पर बार बार प्रयत्न करके सवाल करता रहता, पूछता रहता, बहुत भारी भारी बातें करता रहता, सत्संग की चर्चा करता रहता। एक दिन एक नाथ जी अकेले मिले, कुछ लोग ऐसे होते हैं अकेले में कुछ बोलते हैं, सबके जब सभा होती है तो कुछ बोलते हैं, कुछ लोग होते हैं तब कुछ बोलते हैं, दो होते हैं तब कुछ बोलते हैं। हमने भी ये देखा है, हर रोज होता रहता है इस प्रकार का। लेकिन संत जैसे होते हैं सबके सामने एक जैसे होते हैं, उनका जीवन चरित्र बिल्कुल खुला होता है, जो बोलते हैं डंके की चोट के ऊपर बोलते हैं, सत्य और असत्य को तोड़ करके बोलते हैं, देख करके बोलते हैं, अनुभव करके बोलते हैं। उन्होंने उन
पूछा एक नाथ जी से, महाराज जी आपके जीवन में भी जब कभी न कभी तो आपके मन में भी पाप उत्पन्न होता होगा, कभी न कभी तो कोई पाप का विचार उत्पन्न होता होगा, कभी न कभी तो कोई वासना उत्पन्न होती होगी, कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में कोई न कोई तो कमी जरूर महसूस होती होगी। इस प्रकार के भिन्न भिन्न प्रश्न किए तो एकनाथ जी ने कहा कि ये इन सवालों के तो उत्तर में बाद में दूंगा, पहले काम की बात सुन लो। ये बातें तो फिर होती रहेंगी, मैं बताता रहूंगा आपको। पहले कल ही आपके हाथ पर मेरी नजर पड़ी, नजर पड़ी तो मैंने देखा कि आपके हाथ की जो रेखाएं हैं, जो आयु की रेखा है वो समाप्त हो चुकी है और आपके हाथ के अंदर केवल लिखा हुआ है इस रेखा में कि केवल एक सप्ताह की आयु ही बाकी है, केवल 7 दिन शेष रह गए हैं आपकी आयु के। इतना कहना था वो युवक एकदम से एकनाथ की तरफ देखने लगा और आंखों से अश्रु झर झर कर गिरने लगे। उन्होंने कहा ये आप क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ, ये कोई झूठ नहीं है, ये बिल्कुल सत्य है। संतों संत किसी न किसी कारण से, किसी न किसी फेर से, किसी न किसी माध्यम से ज्ञान का वर्णन करते रहते हैं, ज्ञान को बरसाते रहते हैं। और जो ज्ञान के पिपासु हैं, जो ज्ञान के चाहने वाले हैं, वो तो ज्ञान को समझ लेते हैं और उसको धारण करने का प्रयत्न करते रहते हैं। लेकिन जो न चाहने वाले हैं, अयोग्य हैं, अपात्र हैं, उनको अगर उस ज्ञान के अंदर नहला भी दिया जाए, उस ज्ञान को बरसा भी दिया जाए, अगर ज्ञान के अंदर डूबो भी दिया जाए तो वो वैसे के वैसे रहते हैं। जिस प्रकार से एक घड़े को चारों तरफ से उसको चिकना कर दिया जाए, अंदर से भी और बाहर से भी, और उसको कितने दिन ही जल के अंदर रखा जाए तो वो उसी की तरह से रहता है, उसके ऊपर एक बूंद भी नहीं ठहरती। इसी प्रकार से कुछ जीव होते हैं, बिल्कुल सागर के अंदर डूबने के बाद भी मटके के ऊपर एक बूंद भी नहीं ठहरती। उसी प्रकार से वो जीव रोने लगा और झर झर आंसू गिरने लगे और कहने लगा महाराज जी आप ये क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। वो आया जब बड़े हौसले के साथ आया था, बड़ा जोश भरा हुआ था उसके अंदर और बार बार एकनाथ जी के ऊपर अपने सवाल डाल रहा था और अपने प्रश्नों के उत्तर चाह रहा था। लेकिन जो ही एकनाथ जी ने उसका वर्णन किया, उन्होंने कहा कि मैं घर जा रहा हूँ। एकनाथ ने कहा नहीं बैठो, अभी सत्संग की चर्चा करेंगे, ज्ञान की चर्चा करेंगे, ब्रह्म की चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि नहीं मुझे घर जाना है, अभी मुझे कोई चर्चा नहीं करनी। उन्होंने कहा कुछ देर तो रुकिए, कुछ देर तो समय लगाइए उस परमात्मा के स्मरण में। उन्होंने कहा नहीं आज मुझे परमात्मा का स्मरण नहीं करना, मुझे तो घर जाना है। एकनाथ जी रोकते रहे, वो घर की तरफ चला गया, नहीं रुक पाया, चाह करके भी नहीं रोक पाए। घर पहुंचने के बाद उन्होंने पूरे परिवार को बताया कि एकनाथ जी ने बोला है कि एक सप्ताह की ही आयु शेष है और तुम इस शरीर को छोड़ करके चले जाओगे, तुम्हारी आयु समाप्त हो जाएगी। इतना कहना था कि पूरा परिवार रोने लगा, तो पूरी तरह से छटपटाने लगा, वो भी साथ में रोने लगा, परिवार का पूरा का पूरा माहौल खराब हो गया, कोई संभाले हुए भी नहीं संभल रहा, बिल्कुल पागलों जैसी
हालात हो गए, उनके परिवार के लोग तो संभल गए दो दिन के बाद, लेकिन वो नहीं संभल पा रहा। एक एक फल बड़े मुश्किल से बीत रहा, बड़ी मुश्किल से एक दिन बीता, दो दिन बीते और बिल्कुल वो सूख गया शरीर, कुछ भी न खा रहा न पी रहा और चारपाई पर लेट गया, कुछ भी शरीर के अंदर ताकत नहीं शेष बची। उन्होंने मान लिया एक सप्ताह के अंदर मैं चला जाऊंगा और बिल्कुल कमजोर होता चला गया, बिल्कुल हर रोज घटता चला गया, खाना भोजन सब कुछ उसका बंद हो गया, अंदर कुछ नहीं जा रहा और एक एक पल देख रहा, टकटकी लगाए सूर्य की ओर, कभी चंद्रमा की ओर, एक पल और बीत गया और मृत्यु नजदीक आ गई, और मृत्यु नजदीक आ गई। जो भी सातवां दिन निकला, बुरी तरह से छटपटाने लगा, बुरी तरह से रोने लगा, लेकिन कोई चारा नहीं था, मृत्यु नजदीक आती जा रही थी, वो उपालों की तरह से छटपटा रहा था। सातवां दिन आया, जो जो घटने लगा दिन, जो जो सूर्य चढ़ने लगा, क्यों हालात बुरे होते चले गए। एक पल काटना बड़ा मुश्किल हो गया। एक नाथ जी आए उसी समय उनके घर पर और उन्होंने कहा, कैसी तबीयत है तुम्हारी? उस युवक ने कहा, महाराज जी अब तबीयत की क्या पूछ रहे हो, अब तो कुछ ही पल बचे हैं जीवन के, कुछ ही अक्षण बचे हैं शेष इस संसार के अंदर, अब तो मुझे जाना है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हें कहीं नहीं जाना, तुम्हारे हाथ की रेखा बहुत लंबी है और अभी आयु तुम्हारी बहुत बची हुई है। मैं तो उस सवाल का उत्तर देने के लिए आया हूँ जो तुमने मुझसे किया था, कि मन के अंदर कोई पाप आपके उदय होता होगा, कहीं न कहीं किसी न किसी कोने के अंदर कोई न कोई दूषित विचार आता होगा, किसी न किसी प्रकार का अज्ञान का कोई न कोई कारण उठता होगा, कोई न कोई अंकुर फूटता होगा, मैं उसका उत्तर देने के लिए आया हूँ। उन्होंने कहा कि महाराज जी अब आप कैसे उत्तर देंगे? उन्होंने कहा कि एक सप्ताह के अंदर तुम्हें क्या दिखाई दिया, एक सप्ताह के अंदर तुम्हें क्या अनुभव हुआ, एक सप्ताह के अंदर तुमने क्या पाया और क्या विचार उठा आपके मन में? उन्होंने कहा कि मुझे तो एक सप्ताह के अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दिया, मुझे तो एक सप्ताह के अंदर केवल चारों तरफ मृत्यु ही मृत्यु दिखाई दी, मौत ही मौत नजर आई, जिस तरफ भी नजर पड़े वही मौत ही मौत नजर आई। उन्होंने कहा कि मैं हर रोज इसी प्रकार से रहता हूँ, आज का दिन चला गया कल का भी चला जाएगा, एक एक सांस मैं मृत्यु के इंतजार में गुजारता हूँ, तो मेरे मन में किस प्रकार का पाप उदय हो सकता है, मेरे मन में किस प्रकार के दूषित विचार पैदा हो सकते हैं। तो जो संत होते हैं वो संत के साथ डूब गए होते हैं, उन्होंने अपने एक एक सांस को उसके अर्पण कर दिया होता है, उनके जो विचार उत्पन्न होते हैं, उनके जो भाव उत्पन्न होते हैं वो बुद्धि से नहीं होते, वो हृदय से होते हैं, और जो हृदय का जुड़ाव होता है वो परमात्मा के साथ होता है, और जो बुद्धि का जुड़ाव होता है वो संसार के साथ होता है। जो हम इन चरम चक्षुओं से, जो हम इंद्रियों से जो बर्ताव करते हैं वो संसार का बर्ताव है, लेकिन जो हम उस तीसरे नेत्र को खोलने का प्रयत्न करते हैं, जो हम उस तीसरे नेत्र से देखने का प्रयत्न करते हैं, जो हम उस ज्ञान अग्नि को जागृत करने का प्रयत्न करते हैं, जो हम इस कुंडलिनी शक्ति को जागरण का प्रयत्न करते हैं, वो अंदर का खेल शुरू हो जाता है, वो ब्रह्म का खेल शुरू हो जाता है, वो उस परमात्मा का खेल शुरू हो जाता है। लेकिन हम वो खेल नहीं खेलना चाहते, हम उस खेल से बहुत दूर जाते जा रहे हैं, हम इस संसार के अंदर भटक गए हैं,
हम इन पत्थर के मकानों को मंदिर मान लिया है, हमने इन पत्थर के मकानों को मस्जिद मान लिया है, हमने इन पत्थर के मकानों को गिरजाघर मान लिया है, हमने इस पत्थर के मकानों को भगवान का घर मान लिया है, हमने इन मूर्तियों को भगवान मान लिया है। कारण आप अपने अंदर के अंदर जा करके देखिए, ये जितने भी संसार के अंदर मूर्तियां हैं, ये सब की सब मूर्तियां इंसानों ने निर्मित की हैं। जिसने जैसी इच्छा उत्पन्न हुई, जिसका जैसा भाव उत्पन्न हुआ, जिसके मन ने जैसा रूप लिया, उसने वैसी ही मूर्ति का निर्माण करवा लिया। ये सब अपनी सब मनुष्य से निर्मित हैं, लेकिन जो आप लोग बैठे हुए हैं, जो आप लोगों के अंदर विराजमान है, ये मनुष्य द्वारा निर्मित नहीं है। आप सोचते होंगे आप बच्चों को पैदा कर देते हैं, आप इसी प्रकार से आप पैदा हो गए, इसी प्रकार से आपके पूर्वज पैदा हो गए, तो हमने निर्माण कर दिया। लेकिन नहीं, ये असंभव है। आप निर्माण नहीं हो सकते, आप निर्माण का कारण जरूर हो सकते हैं, आप उस परमात्मा की रचना जरूर हो सकते हैं, लेकिन आप निर्माण करने वाले नहीं हो सकते। निर्माण करने वाला वो सच्चा बादशाह है, वो परमात्मा है, वो चेतना है, वो रोम रोम में रमण करने वाला है। उसके बिना कोई भी निर्माण नहीं कर सकता, उसके बिना न कोई पैदा कर सकता है, न कोई नष्ट कर सकता है। हम इस संसार के अंदर बिल्कुल गलत दिशा के अंदर जा रहे हैं। हम अपने ही निर्मित, अपने ही निर्माण की हुई वस्तुओं के आगे तो मस्तक टिका देते हैं, लेकिन जो उस परमात्मा ने रचना की है, जो उस परमात्मा ने बनाया है, उससे हम बातें करना भी पसंद नहीं करते, उसके साथ हम प्रेम करना भी पसंद नहीं करते, उसके साथ हम गलत व्यवहार करने लगते हैं, हम वहाँ से दूर हटने लगते हैं। अगर परमात्मा की बनाई हुई हम इस सृष्टि के साथ गलत व्यवहार करेंगे, तो हमारे साथ अपने आप ही गलत होता चला जाएगा। क्यों? प्रकृति का नियम है, जो जैसा करेगा वैसा ही लौट करके वापस आएगा, जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही उसको फल की प्राप्ति होती चली जाएगी। ये तो कर्म का नियम है, लेकिन ज्ञान का नियम कुछ और है। ज्ञान का नियम कर्म अकर्म से परे होता है, ज्ञान का नियम पाप पुण्य से परे होता है, ज्ञान का नियम इस संसार समाज से परे होता है, वो लागू नहीं होता। लेकिन हम ये चाहें कि संसार का नियम लागू हो तो हम लागू करें, यह असंभव है। लोग ये समझते हैं कि हम समाज के साथ चले नहीं चल सकते। क्यों? क्योंकि हमें वो दिखाई दे रहा है जहाँ हमें पहुँचना है, हमें अपना लक्ष्य दिखाई दे रहा है, हमें अपना गुरु दिखाई दे रहा है, हमें उसके आदेश मिल रहे हैं। वो जिस प्रकार से करता है, जो संशोधन करता है, जो चाहता है, जो उसकी इच्छा होती है, जो उसकी मर्जी होती है, जहाँ वो ले जाना चाहता है, जहाँ से उसने शुरुआत की थी, जहाँ उसे पहुँचना और पहुँचाना है, वहाँ वो लेकर के ही जाएगा। चाहे किसी प्रकार से कुछ भी करता रहे, चाहे मैं भी चाहे कोशिश करूँ मैं जाने की, लेकिन वो लेकर ही जाता है। मेरे न चाहने पर भी वो उसी प्रकार का खेल खेलता रहता है। क्यों? क्योंकि उसकी इच्छा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, वो अपनी दिशा में ले जा रहा है। क्यों? क्योंकि धर्म की स्थापना, जो ज्ञान जो इन शास्त्रों के अंदर छुप करके रह गया था, जो भ्रम पैदा कर दिए गए थे, जो भ्रांतियाँ समाज के अंदर फैला दी गई थी, उन सबको तोड़ करके एक उस धर्म का निर्माण करना, उस जागृति को दिशा देना, जो इस संसार के अंदर, जो इस जड़े जड़े के अंदर उस परमात्मा का स्वरूप है, जो उस परमात्मा की ताकत है, उसकी पहचान करना बड़ा मुश्किल कार्य है। लेकिन उसकी पहचान के लिए उन आँखों की आवश्यकता होती है।
लक्षणों की आवश्यकता नहीं होती। एक समय एक युवक रामकृष्ण परमहंस जी के पास पहुंचा। उन्होंने कहा कि मुझे परमात्मा के दर्शन करा दीजिए, मुझे परमात्मा की प्राप्ति करा दीजिए, मुझे उस परमात्मा का ज्ञान करा दीजिए, मुझे उस ब्रह्म का स्वरूप दिखा दीजिए। रामकृष्ण परमहंस मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि ऐसा संभव नहीं हो सकता। उन्होंने कहा क्यों संभव नहीं हो सकता? उन्होंने कहा कि इन चरम चक्षुओं से तुम उसको नहीं देख सकते, तुमको देखने के लिए उस नेत्र की आवश्यकता होती है। वो युवक मुस्कुराया और कहने लगा क्यों नहीं देख सकता, देख सकता हूँ, उस नेत्र की क्या आवश्यकता है। लेकिन रामकृष्ण परमहंस बड़े जागे हुए महापुरुष थे। उन्होंने कहा तुम वैसे ही हट कर रहे हो, हट का कोई कारण भी नहीं है और इस प्रकार से उस परमात्मा को कोई जान भी नहीं सकता। ये श्रद्धा का विषय है, प्रेम का विषय है, शरणागत का विषय है, विश्वास का विषय है, लेकिन हट का विषय नहीं है। तो वो भी हट उस दिशा की जहाँ कुछ भी निकलने वाला नहीं, जहाँ कुछ भी मिलने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि संतों के साथ की गई हट दूसरी दिशा में ले जाती है। संत अगर कुछ कह रहे हैं तो हम कुछ समझ रहे हैं और हम कुछ बोल रहे हैं तो हम दूसरी दिशा में जा रहे हैं। हम भटकाव में हैं, हम भ्रम की स्थिति में हैं, हम भय की स्थिति में हैं। कोई न कोई कारण जरूर होगा से लेकर के अहंकार तक, जिस कारण से हम विपरीत दिशा में चले गए हैं और हमारी जो सीधी गाड़ी चल रही थी वो परिवर्तित हो गई, परिवर्तन हो गया, लेकिन हम समझ भी नहीं पाए कब। जिस प्रकार से एक रेल चलती है और बाहर से कोई काटा बदल दे तो उस ड्राइवर को तो ये भी आभास नहीं होता किस पटरी पर गाड़ी चली गई, कहाँ पर चली गई। क्योंकि जो बाहर काटा लगा हुआ है वो खींच देता है, वो पटरी दूसरी लाइन पर चलने लगती है और आभास भी नहीं होता। इसी प्रकार से जब हम संसार के ड्राइवरों के साथ संबंध हो जाते हैं, संसार और समाज के साथ जुड़ जाते हैं, तो हम दूसरी दिशा में जाने लगते हैं, आध्यात्म से दूर होने लगते हैं और दिखावे के साथ भ्रम पैदा होने लगती है। हम कहीं पर पहुंचने के लिए आए थे तो पहुंच कहीं और रहे हैं। हम चलने के लिए अध्यात्म पर चलने के लिए आए थे लेकिन हमें समाज दिखाई देने लगता है, हमें घर परिवार दिखाई देने लगता है, हमें सब कुछ दिखाई देने लगता है, लेकिन उसको हम भूल जाते हैं जो वहां ले जाने के लिए आया है। हम उस दिशा से हट जाते हैं, उस मार्ग से हट जाते हैं और जो ये खेल शुरू हुआ आपस के मेल से दूर होने लगा और आपस के अंदर भी खेल बदलता चला गया, भाव बदलता चला गया, सब कुछ बिगड़ता चला गया, हालात गंभीर होते चले गए। मेरे नहीं आप लोगों के, क्योंकि हमने तो जो पाना था वो पा लिया, पाना था सो पा लिया, सोना था सो किया, कोई खोया खोया पाया कुछ नहीं, जो कुछ था बस कोई, तो जो कुछ भी था वही है, न कुछ हुआ है न कुछ पाया है। क्यों? क्योंकि खोना और पाना इस संसार का विषय है, अध्यात्म का विषय नहीं है। अध्यात्म का विषय तो केवल जागरण है, जो जाग गया जीव वो जाग गया और जो सो गया वो सो गया। क्यों? क्योंकि बहुत कम आयु है संसार के अंदर, इस युग के अंदर बहुत कम आयु है। कितनी आयु है? लगभग 100 वर्ष के आसपास। क्या कर लेंगे हम 100 वर्ष के अंदर? बच्चे पैदा कर लेंगे, 20 वर्ष वैसे ही बचपने के अंदर बीत जाएंगे, तो 50-60 वर्ष के बाद क्या होगा? कुछ
कुछ भी नहीं, इस शरीर को संभालने में ही कुदरता की पूरी की पूरी आई। इसी प्रकार से हर रोज एक दिन कर करके हम होते चले जाएंगे। तो जो रामकृष्ण के पास आया था युवक, उन्होंने रामकृष्ण ने कहा कि तुम्हारे हालात समझ से बाहर हो गए हैं। उन्होंने कहा नहीं, कुछ तो बताइए। उन्होंने कहा तुम इस प्रकार से जानने आए हो जिस प्रकार से अंधा प्रकाश को जानने के लिए आता है। अंधा प्रकाश के बारे में सुन तो सकता है, वर्णन भी कर सकता है, शास्त्रों में जो लिखा है उसको सुन सुन करके उसका वर्णन भी कर सकता है, बड़े अच्छे शब्दों को चुन करके वो उन्हें पंक्ति बद भी लगा सकता है, लेकिन अंधा व्यक्ति जान नहीं सकता। मानना अध्यात्म नहीं है, जानना अध्यात्म है, क्योंकि मानने से प्राप्त होने वाला नहीं है, जानने से प्राप्त होने वाला है। आपने मान लिया कि आप सबके अंदर परमात्मा है, इससे आपके अंदर कुछ भी प्रभाव नहीं होगा, आपके अंदर कुछ भी फर्क महसूस नहीं होगा चरित्र से लेकर के स्वभाव तक। लेकिन अगर आपने जान लिया कि आपके अंदर वो ब्रह्म है, उस परमात्मा का अंश है, इस आत्म रूप में विराजमान है, तो आपके अंदर बहुत ज्यादा प्रभाव होगा, एकदम बदलते चले जाओगे, सब कुछ जो अंदर है वही बाहर होने लगोगे, कुछ भी छुपाव नहीं होगा। आप चाह करके भी कुछ नहीं छुपा पाओगे, लेकिन जो अंदर में भेद है अगर उसको भी बोलोगे तो लोग समझ नहीं पाएंगे, लोग कहेंगे व्यर्थ की बातें करते हो, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जब उनके जीवन से वो वस्तु गुजरेगी, जब उनके जीवन से वो घटना गुजरेगी, तब जब जरूर आप अनुभव कर पाओगे उसका, तब वो आपको जरूर याद रहेगा कि उसने क्या कहा था और क्या हुआ। ये बिल्कुल अलग तरह का खेल चल रहा है, ये परमात्मा का खेल है, ये उस सच्चे बादशाह की ताकत है, वो कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी ताकत के बिना, उसके प्रेम के बिना, उसके ज्ञान के बिना, उसकी शक्ति के बिना, उसकी चेतना के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि जब तक रोम रोम में वर्णन करने वाला वो सच्चा बादशाह, जब तक रोम रोम में भ्रमण करने वाला वो परमात्मा आपको अनुभव नहीं कराएगा, आप अनुभव नहीं करोगे, उसको चाह करके भी नहीं पा सकोगे। उन्होंने कहा कि प्रकाश का वर्णन तो हो सकता है, लेकिन प्रकाश का अनुभव नहीं हो सकता। उन्होंने कहा क्यों नहीं हो सकता? फिर उन्होंने बड़ा गहरा उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति जो हर रोज दूध पीता था लेकिन अंधा था, कुछ लोग दूध लेकर के आते तो उन्होंने उन्हें दे देते कि लो दूध पियो, हर रोज वो दूध पीता रहता। एक दिन उन्होंने पूछा कि ये दूध कैसा है? आप लोग भी सोचते होंगे कि ये कैसा पसंद हुआ, जिन्होंने पी भी लिया उन्हें तो हमको हो भी जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने रंग और जो उसका तालमेल था उसका अनुभव नहीं था। उन्होंने पूछा दूध का कैसा रंग है, कैसा दूध है? उन्होंने कहा कि दूध का सफेद रंग है। उसने कहा कि कैसा मजाक कर रहे हो, मैंने तो सफेद कभी जाना ही नहीं, मैं तो किसी भी रंग को जानता ही नहीं, नहीं। मेरे लिए तो सब के सब रंग एक जैसे हैं। क्यों? क्योंकि जो जन्म से रहा है वो सफेद लाल काले और पीले में किस प्रकार अंतर कर सकता है, किस प्रकार भेद कर सकता है? विचार कितने भी पैदा हो सकते हैं, मन के अंदर कितनी भी भावनाएं पैदा हो सकती हैं, लेकिन अंतर नहीं कर पाएगा, समझ नहीं पाएगा, सुन करके वर्णन कर सकता है लेकिन अनुभव नहीं कर सकता। वो बिल्कुल सच बोलने वाला था, सच बोल रहा था कि मैं कैसे इस सफेद रंग को समझूं। उन्होंने कहा कि बिल्कुल बगुले के पंखों की तरह से सफेद है, उसे भूत कहते हैं।
के अंदर गर्दन उनकी टेढ़ी मेढ़ी होती है लकड़ी की तरह से। उन्होंने एक टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी उठा करके लाया और उन्होंने कहा कि बुगले की गर्दन किस प्रकार से होती है टेढ़ी सी। उन्होंने उस लकड़ी को छुआ, हाथ घुमाया और उन्होंने कहा मैं समझ गया दूध कैसा होता है। कहाँ से शुरुआत हुई थी, कहाँ पहुंच गए, तो वही खेल इस इंसान के साथ चल रहा है। चाह करके भी नहीं समझ पा रहा, जान ही नहीं सकता, समझ ही नहीं सकता। कारण कितना भी प्रयत्न करे, अंधे को अगर हम रंगों का वर्णन करके सुनाएंगे तो कुछ प्रभाव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब तक उन्होंने अनुभव नहीं किया कैसे जान सकता है। तो हमारे भी यही हालात हो गई है, जिस प्रकार से उस लकड़ी के अंधा हाथ फेर करके कह रहा है कि मैं समझ गया किस प्रकार का दुख है और वो नाचने लगा। उन्होंने कहा क्या समझे, उन्होंने इस प्रकार से हाथ किया, अंधे ने वो कहा कि मैं समझ गया इस प्रकार का दुख है, लेकिन वो इस प्रकार का नहीं था। दूध तो अलग ही तरह का था, अलग ही खेल चल रहा था। इसी प्रकार से हम शास्त्रों को देख करके, शास्त्रों में जो लिखा है को समझने का प्रयत्न करके, शास्त्रों के अंदर जो भेद छुपा हुआ है, जो सार छुपा हुआ है, जो उन्होंने करने को बोला है वो नहीं कर पा रहे हैं, जो उन्होंने लिख दिया है वही अटक करके खड़े हो गए हैं, वही फंस करके रह गए हैं और हम उस परमात्मा के मार्ग से दूर होते चले गए और भटक गए उस ब्रह्म के मार्ग से और बहुत दूर होते चले गए और बहुत दूर चले गए। चाह करके भी नजदीक नहीं लग रहे, कारण क्योंकि हम चाह रहे हैं लेकिन बट नहीं रहे, लेकिन खड़े भी नहीं है। जब हम खड़े हो जाएंगे तो हम आगे बढ़ने लगेंगे, हम खड़े नहीं हैं, हम पीछे हट रहे हैं, हम दूसरी दिशा में जा रहे हैं। लेकिन जब दूसरी दिशा में नहीं जाएंगे, सीधी दिशा में चलने लगेंगे, तभी उस ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन उसके लिए हम बहुत ज़्यादा संयम की आवश्यकता होगी, बहुत ज़्यादा ध्यान की आवश्यकता होगी, प्रेम की आवश्यकता होगी और उस परमात्मा के नाम स्मरण की आवश्यकता होगी और उस विश्वास की आवश्यकता होगी। क्योंकि विश्वास के बिना हम वहाँ नहीं खड़े रह पाएंगे, स्थिति गिरती चली जाएगी, क्योंकि बिना आधार के कोई खड़ा नहीं हो सकता। क्योंकि जब अंदर में विश्वास जागने से होता है, कोई जो कार्य पहले आ गया है, भिन्न भिन्न कार्य अगर खड़े हो गए हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जरूरी है वो तो हमें कर ही लेना चाहिए। सबसे ज़्यादा जरूरी कार्य परमात्मा की प्राप्ति का है। संसार के अंदर अनंत अनंत कार्य हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी कार्य वो परमात्मा की प्राप्ति का है। एक गृहिणी जो गर्भवती थी, नदी किनारे चल रही थी, उसकी घास प्रसव पीड़ा शुरू हुई, उसके पीछे एक शिकारी दौड़ रहा, सूखी घास की ओर वो बढ़ी, गर्मी के कारण वो प्यास से व्याकुल बढ़ी, सूखी घास साथ में शिकारी, नदी के अंदर जल बड़ा तेज बह रहा, एक तरफ आगे शेर आ गया और ऊपर बिजली कड़कड़ा रही, कैसा होगा ये दृश्य, अगर नदी के अंदर गिरी तो भी प्राण चले जाएंगे, अगर आग की ओर बढ़ी तो भी प्राण चले जाएंगे, अगर शेर की ओर बढ़ी तो भी प्राण चले जाएंगे, अगर शिकारी से नहीं बच पाई तो भी प्राण चले जाएंगे, कैसा होगा वो दृश्य जब चारों तरफ प्राण जाने का भय होगा। तो पीछे शिकारी, कोई ऐसी स्थिति नहीं थी
जब वो बच सके। लेकिन उन्होंने विचार किया एकदम से, जो पहले कार्यान पड़ा है वही कर लेना चाहिए। सबसे पहले कार्यान पड़ा था प्रसव का, कि प्रसव की जो ये पीड़ा है ये रोकी नहीं जा सकती, कि प्रकृति का खेल होता है, कि परमात्मा का खेल होता है। जो जीव पैदा होते हैं वो स्वयं निर्धारित करता है। जो ही वो प्रसव पीड़ा शुरू हुई इतनी थोड़ी आगे बढ़ी, जो ही प्रसव पीड़ा हो रही थी एकदम से ऊपर से बिजली कटी, शिकारी ने अपना तीर छोड़ा, शिकारी ने तीर छोड़ा था, सामने जो शेर था वो ऊपर से बिजली कड़कते ही और उसका निशाना हिरणी से चूक गया। सामने शेर को तीर लगा, शेर को तीर लगते ही शेर ने दहाड़ मारी और शेर मर गया। शिकारी ने समझा कि शेर आ गया और भाग ले, ऊपर से बारिश होने लगी, चारों तरफ से बिल्कुल सारा का सारा इस प्रकार से खेल हुआ जैसे उस परमात्मा ने उस हिरणी के लिए तालमेल बनाया था। उस तीर ने सब कुछ बदल करके रख दिया, शेर भी मर गया, शिकारी भी भाग गया। बारिश हुई तो आग भी बुझ गई और अग्नि भी जब शांत हो गई तो उसकी प्रसव पीड़ा पूरी हुई थी और उसने शवक को जन्म दिया, बच्चे को जन्म दिया। बच्चे को जन्म देने के बाद हिरणी उठी और नदी के अंदर उप टेक करके जल पिया और वहीं पर लेट गई कुछ देर के लिए विश्राम करने के लिए। तो जो परमात्मा चाहता है, जो वो सच्चा बादशाह चाहता है, वो हालात पैदा करता है, वो माहौल पैदा करता है, वो कारण पैदा करता है। और इसी प्रकार से जिसे जहाँ ले करके जाना होता है, जहाँ पहुँचाना होता है, जिसके साथ जो खेल खेलना होता है, जिसकी जहाँ परीक्षा लेनी होती है, जिसको जिस प्रकार से तैयार करना होता है, जिसका जिस पात्र का जहाँ उपयोग करना होता है, उसे वहीं ले करके जा करके वहीं बिल्कुल उसी प्रकार से तैयार करके तो वहीं स्थापित कर देता है। ये बड़े आश्चर्य और तालमेल का खेल है। ये उस ब्रह्म का उसका जो ताकत है उसका खेल है। वो अपनी तरह से खेल रहा है, कोई जा करके भी नहीं बदल सकता, कोई भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो हर अपने शिष्य को वो नहीं चाहता कि किसी भी विद्या में, किसी भी खेल में, किसी भी ताकत में, किसी भी पीछे रह सके। क्यों? क्योंकि गुरु का कार्य होता है शिष्य को पारंगत करना। गुरु को जो जो कलाएं आती हैं, गुरु संसार के अंदर माता पिता और गुरु ये ऐसे होते हैं जो अपने से श्रेष्ठ देखना चाहते हैं। हर कोई अपने से श्रेष्ठ देखना चाहता है कि मेरा पुत्र ऐसा हो, मेरा बच्चा ऐसा हो, हर कोई श्रेष्ठ देखना चाहता है। यही एक संसार के अंदर ऐसे होते हैं जो अपने से ज्यादा ऊंचा स्थिति पर किसी को देखना चाहते हैं। तो वो जो मेरा गुरु ऊपर बैठा हुआ है, जो वो संसार बादशाह ऊपर बैठा हुआ है, वो कैसे उस ऐसी कोई शायद हमें नजर नहीं आती जो वो प्लान हमें नहीं सिखाना चाहता हो। लेकिन उसकी एक अलग हमने छाप देखी है, उसने की हमने एक अलग जाल देखी है। वो हमें कुछ बोल करके नहीं सिखाता, वो हमें कुछ कह करके नहीं सिखाता, वो हमें हालात पैदा करके सिखाता है और उस घटना और दुर्घटना से गुजार देता है और उसमें निपुण कर देता है। हमने बिल्कुल उसको नजदीक से देखा है, हमने बिल्कुल अनुभव किया है एक एक पल का। तो वो जो सच्चा बादशाह है वो बिल्कुल अलग ही खेल खेलता है, उसके पास देने के लिए अनंत है। लेकिन शायद जो जितना पात्र है वो उतना ही ग्रहण कर पाता है। वो तो बखेर रहा है, वो तो बरसा रहा है सदा से, आज से नहीं, जब हम नहीं थे तब भी वो बरसा रहा था, जब हम नहीं होंगे तब
जारी रहेगा। इस संसार के अंदर लेकिन देने वाला कितना भी दे देता है। एक शेठ ने कहा कि सुबह कुछ काम करने वालों की आवश्यकता है, मकान बना रहा है, कुछ काम करने वालों को ले आओ। वो गया उनका मुनीम तो कुछ काम करने वालों को ले आया। शेठ ने कहा दो चार घंटे बाद इनसे काम नहीं होगा, ये काम आज ही पूरा करा लेना है। कुछ और काम करने वालों को ले आओ, कुछ और मजदूरों को ले आओ। वो गया और कुछ और मजदूरों को ले आया। शेख को फिर यकीन नहीं हुआ कि ये काम इनसे भी हो पाएगा। उन्होंने कहा कि जाओ और मजदूरों को ले आओ। वो मुनीम गया और मजदूरों को ले आया। शाम हो गई, शाम लगभग 4-5 बजे के आसपास कुछ काम शेष था। शेठ ने फिर कहा कि कुछ और मजदूरों को ले आओ। वो और मजदूरों को ले आया। सबके सब मजदूर जब काम पूरा हुआ, शेठ ने बुलाए। बुलाने के बाद सबको एक समान ही जो उनका बनता था पैसा, जितना पैसा सुबह जो काम करने लगा था, शाम तक जिसने काम किया उसको भी उतना ही पैसा दे दिया। जो 2 घंटे बाद आया था उनको भी उतना पैसा दे दिया। जो दोपहर को आया था उनको भी उतना ही पैसा दे दिया। जो शाम को आया था उनको भी उतना ही पैसा दे दिया। सबको बराबर का बराबर पैसा दे दिया। सबके अंदर झगड़ा मच गया। यही हमारा समाज का हाल हो गया है। सबके सब लड़ने लगे, झगड़ने लगे। किसके साथ? शेख के साथ। उन्होंने कहा कि क्या तुम्हें जितना मिला है इतना हम कह कर के नहीं लाए थे? उन्होंने कहा मुझे तो मिल गया, लेकिन जो अभी अभी आया था आपने उसको भी उतना ही दे दिया। जो दोपहर को आया था वो भी शेख के साथ लड़ाई करने लगा कि मैं दोपहर को आया था और ये अभी आया, इसको भी इतना ही पैसा और मुझे भी इतना ही पैसा। शेख मुस्कुराने लगा और कहने लगा मैं क्या करूं, मेरे पास पैसा ही इतना है तो मैं सबके अंदर बराबर बांटना चाहता हूँ जितने भी लोग आए हैं। तो इस कारण से मैंने सबको बराबर बांट दिया है और मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। तो कम से कम ये बुलाने से आए हो, अगर ये बुलाने से न आते तो किस प्रकार से प्राप्त कर सकते? कम से कम पहुँचे तो किसी भी समय पर पहुँचे, आए तो हैं, किसी कारण तो ये ले पाए हैं। तो इसी प्रकार से यह धर्म का केंद्र चल रहा है। कम से कम आप लोग आए तो न लेने के लिए, जो चाहे आज आया हो चाहे शुरुआत में आया हो, लेकिन सबको बराबर बांटा जा रहा है, सबको एक समान बांटा जा रहा है। कुछ लोग इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, कुछ लोगों को ये सहन नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम अपने स्वभाव को नहीं बदलेंगे क्योंकि ये उस परमात्मा का दिया गया ज्ञान है। उसने जो कृपा बरसाई है हम वो आगे उठेल रहे हैं। हम तो केवल माध्यम हैं, बोलने और बुलाने वाला तो वही है, करने और कराने वाला तो वही है। अगर हम करने वाले होते तो आज से 20 वर्ष पहले ही कर चुके होते, 20 वर्ष पहले ही खेल लेते, 20 वर्ष पहले ही उस परमात्मा की प्राप्ति कर लेते, लेकिन नहीं। सब कुछ देने और लेने वाला वो है, सब कुछ करने कराने वाला वो आप है। हम तो ये सही तो केवल माध्यम है, लेकिन शब्द सारे उसके गूंज रहे हैं, खेल सारा उसका चल रहा है। वो पता नहीं कहाँ से क्या बोल रहा है, कहाँ से क्या चला रहा है, उसकी जाल को कोई समझ नहीं सकता। क्योंकि तो अगर उस ब्रह्म की जाल ही पकड़ में आ गई तो कुछ भी शेष नहीं रह जाएगा। अन्न की गति को पकड़ी जा सकती है, बुद्धि के विचार भी पकड़े जा सकते हैं, हृदय में जो प्रेम उत्पन्न हो रहा है उसका भाव भी जाना जा सकता है,
प्रकार से पकड़ा जा सकता है। उसको अगर पकड़ लिया तो कुछ भी शेष नहीं रह पाएगा, कुछ भी शेष नहीं रह जाएगा। जब कुछ उसी उसका खेल है तो आप उसको जानने का प्रयत्न कीजिए, खोजने का प्रयत्न कीजिए, पाने का प्रयत्न कीजिए। क्योंकि तो बिना पाए अगर आप किसी प्रकार से बोलते रहे हमने पा लिया, हमने खोज लिया, हमें मिल गया, लेकिन अंदर में आपके संतुष्टि नहीं हो पाएगी। क्योंकि तो भीतर में कुछ न कुछ अज्ञान का अंकुर रह जाएगा। जब तक वो अज्ञान का अंकुर नहीं टूटेगा तब तक वो बीज दोबारा उत्पन्न होगा, फिर वृक्ष का रूप धारण कर लेगा। तो जो जिस स्थिति में है, जो जहाँ खड़ा हुआ है, वो वहीं तक देख रहा है। जिसकी जहाँ तक नजर जा रही है, जिस प्रकार से आप देखिए यहाँ बैठे हुए हैं, आपको ये बिल्कुल जो होल है यही दिखाई देता होगा। तो इसके ऊपर खड़े हुए हैं और थोड़ा दूर तक नजर आएगा, लेकिन जो थोड़ी और ऊंचाई के ऊपर चढ़ गए हैं उन्हें और दूर तक नजर आएगा। जो जहाज के अंदर उड़ रहे हैं उन्हें और दूर तक नजर आएगा, लेकिन जो आकाश के अंदर सेटेलाइट लगा दिए गए हैं उन्हें पूरी पृथ्वी नजर आती है। लेकिन जब आप और ऊपर से देखोगे तो पृथ्वी के चारों तरफ और अनंत अनंत पृथ्वियां हैं, वो भी नजर आने लगेगी। तो यही हालात इस संसार के हैं, यही हालात इस जीव के हैं। जितना ये जीव ऊंचा उठता चला जाएगा, जितना ये जीव जागता चला जाएगा, जितना ये जीव आगे बढ़ता चला जाएगा, उसको उतने ही ऊंचाई तक दिखाई देने लगेगा। वो इस संसार से उतना ही उत्पन्न करके देखेगा, उतना ही उसके अंदर भाव होगा, उतनी ही जागृति होगी, उतनी ही उसकी पात्रता होगी। क्यों? क्योंकि जिसकी जितनी पात्रता होगी उतना ही वो ग्रहण कर पाएगा। तो जिसकी जितनी पात्रता है वो उतना ही पा सकता है। लेकिन हम दूसरे की पात्रता के अंदर काल ध्यान करते हैं, दूसरे को देख करके हम विचार करते हैं, तो उससे ज्यादा हमारे अंदर बेहतर है। जो समय हमने दूसरे को देखने के लिए गवाया है, जो हमने समय दूसरे को तोड़ने के लिए गवाया है, क्यों न हम वो समय अपने को खोजने के लिए गवाएं। और वो जो समय है एक एक पल उसके अंदर लगाया जाए, कहीं ना कहीं हमें उस परमात्मा की उपलब्धि होगी, कहीं ना कहीं हमें उस परमात्मा की प्राप्ति होगी, कहीं ना कहीं वो चेतना जाग जाएगी, कहीं ना कहीं वो ब्रह्म का खेल शुरू हो जाएगा। अगर वो ब्रह्म का खेल शुरू हो गया, अगर वो जागना शुरू हो गया, अगर ये कुंडलिनी शक्ति उठने शुरू हो गई, तो फिर ये पूरी होकर के नहीं उठेगी। जन्म चाहे कितने भी लग रहे फिर बीच में नहीं उठा होगा। इस जन्म में अगर आपने एक चक्कर को पार कर लिया तो अगले जन्म में आप रुकोगे नहीं, दूसरे चक्कर को तक तो जरूर ही पहुंच जाओगे। तो ये रुकेगा नहीं, लेकिन खेल शुरू करने की देरी है, खेल शुरू नहीं हो पा रहा। हम अटके वही हैं, बैठे वही हैं, केवल वर्णन कर रहे हैं उसका जो सेटेलाइट के अंदर बैठा है, बातें बोल रहे हैं इस तरह से जैसे हम सेटेलाइट के अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन बैठे कहाँ हैं? बैठे हम यही हैं। हमें इन सबसे ऊपर उठना होगा, उस परमात्मा के नाम की ताकत का सहारा लेना होगा, उस ज्ञान की डोर को पकड़ना होगा, उस ध्यान की डोर को थामना होगा। क्योंकि जब तक ध्यान का ठहराव नहीं होगा हम उस चेतना तक नहीं पहुंच पाएंगे। कितना भी कोशिश करते रहे हम वापिस लौट करके वहीं टकरा जाएंगे। तो आप जागने का प्रयत्न कीजिए, उस परमात्मा का ध्यान कीजिए, नाम का स्मरण कीजिए। अगर आपने अपने आप को नहीं पाया, समय की खोज नहीं की, समय की प्राप्ति नहीं हुई, अगर आपके आमने सामने भी परमात्मा खड़ा रहे तो भी मोक्ष को प्राप्त नहीं हो पाओगे। ये बड़ा गहरा ज्ञान का खेल है और ये बड़ा उसके शब्द हैं जो वो बोल रहा है सच्चा बादशाह, जिसने मुझे सिखाया है, जो जगाने वाला है, जो मिलने वाला है, जो मिलाने वाला है। ये दो शब्द बड़े भारी हैं, जो जगाने वाला
एक शब्द है, जो मिलने वाला है वो कौन है? मिलने वाला परमात्मा है। और मिलाने वाला क्या है? मिलाने वाला वो सागर है जो अपने अंदर मिला लेता है। जब तक एक नहीं हो जाता, एकाकार नहीं हो जाता, कुछ नहीं हो सकता। अगर आप उस परमात्मा के आमने सामने भी खड़े रहे, एक नहीं हो सकते। अगर दूध और दूध को साथ में रख दिया जाए, एक नहीं हो सकते जब तक मैं मिला दिए जाए। अगर दो जल साथ में रख दिए जाए अलग अलग पात्र के अंदर, वो भी एक नहीं हो पाएंगे। तो आप एक होने का प्रयत्न कीजिए और आप उस परमात्मा का ध्यान कीजिए, उस ब्रह्म का दिग्दर्शन का प्रयत्न कीजिए और सार को जानने का प्रयत्न कीजिए। क्योंकि तो ध्यान के बिना कोई माध्यम नहीं है। उस नाम स्मरण के बिना ध्यान का ठहराव नहीं होगा। जो जितना प्रयत्न करेगा, उस परमात्मा के नाम की ताकत का सहारा लेगा, वो उतना ही ऊपर उठता चला जाएगा। आप सबके अंदर विराजमान उस परमपिता परमेश्वर, मेरे गुरु, मेरे इष्ट को मेरा बार बार प्रणाम।